बांसुरी की धुन सुनकर ये सभी प्राणी यहाँ खींचे चले आए हैं। कृष्णा, तुम बांसुरी सुनने आए हो? तुम्हारी गुंजन में किसी बांसुरी से कम नहीं है। तुम्हें पता है मैं गायों की बोली जानता हूँ। मुझे भी उनसे बातें करना आता है। मैं गिलहरी से बात कर सकता हूँ। तुमने वो आवाज सुनी कृष्णा? हाँ, लगता है किसी बाघ की आवाज है। उस ओर से आई थी आवाज। नहीं, शायद उस ओर से आई थी। आवाज तो पास से आती हुई लगी थी, है ना भाई? हाँ, शायद वो पास ही है। कहीं छिप जाते हैं। चलो इन झाड़ियों के पीछे। तुमने वो देखा कृष्णा? अब मुझे लगता है उस तरफ है। तो कृष्णा है। तो तुम हो वो खतरनाक बाघ। देखते हैं कौन खतरनाक है। राधा, देखो तो उन शैतान लड़कों को, हमेशा खेलते रहते हैं और सारा काम हम करते हैं। सब कृष्ण का किया धरा है। यदि माखन नहीं चुरा रहा होगा तो कोई नया उत्पाद कर रहा होगा। ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? किसी अनोखे फल की लगती है। हमारे फलों में तो ऐसी मधुर सुगंध कभी नहीं आई। तो चलो खोजे स्वादिष्ट नए फल को और चखा दे पूरे वृंदावन को। ये सुगंध वहाँ से आ रही है। नहीं रुको, ये वही उद्यान है जिससे मैया यशोदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ का रक्षक है भयानक असुर धेनु का। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। मन भर गया श्रीधर। हाँ, मैं तो थक गया और मैं भी थक गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तुम इस कुश्ती के अभ्यास से थक गए होगे कृष्णा। आओ हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। ये अद्भुत सुगंध, इसकी खुशबू तो आम से भी मधुर है। मधु की नाक सच कहती है, ये सुगंध सच में मधुर है। आओ देखे ये कहाँ से आ रही है, और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। अगर हम चले गए तो हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, हमारी गाय कहाँ चली गई? चिंता ना करो सुबाला, उनको भी सुगंध ने मोहित कर लिया होगा। उनको खोजने का एक ही उपाय है। मधु की नाक रास्ता दिखाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। और मेरा पेट भी इस शुभ कार्य के लिए तैयार है। कोई आ रहा है। धेनु का सुर। ये तो कृष्णा और उसके मित्र हैं। तालवन की ओर जा रहे हैं।